Dear students, in this video, I will discuss the second stanza of the poem We Are Seven. This stanza is like this I will read out. I met a little cottage girl. She was eight years old, she said. Her hair was thick with many a curl that clustered round her. So in these lines, the poet William Wordsworth gives the description how he first met the child. What was his first impression about the little girl? कैसे वो पहली बार उस बच्ची से मिलते हैं और पहली बार उसको देखकर जब वो पहली बार उसको देखते हैं तो क्या जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो एक पहली छवि उनके मन में क्या बनती है और वही छवि ही वेरी क्लेवरली वी कैन से और स्किलफुली प्रेजेंट्स बिफोर अस बहुत कुशलता के साथ वही छवि वो हमारे मन में भी प्रस्तुत कर देते हैं ही सेज़ आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल मैं एक छोटी सी बच्ची से मिला कॉटेज गर्ल हु यूज टू लिव इन अ कॉटेज एक छोटी सी बच्ची हु लिव्ड इन अ कॉटेज शी वॉज एट इयर्स ओल्ड शी सेड शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड शी सेड जैसा कि उसने कहा शी सेड शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड द पोइट मस्ट हैव आज द गर्ल वॉट वॉज हर एज एंड शी माइट हैव रिप्लाई दैट शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड तो आठ वर्ष की वो बच्ची थी जो कि उसने स्वयं कवि को बताया और वो कैसी दिखती थी बच्ची हर हेयर वॉज थिक विद मैनी कर्ल उसके बाल कैसे थे थिक घने बाल थे विद मैनी कर्ल शी हैड थिक कर्ली हेयर उसके घुंघराले बाल थे जो काफ़ी घने थे दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड जो कि उसके हेड उसके फॉरेड के चारों तरफ क्लस्टर्ड इकट्ठे हो गए थे बिकॉज वो कर्ली हेयर थे तो उसके सुंदर कर्ल्स वर गैदर्ड अराउंड हर स्मॉल फॉरेड उसके आ, मस्तक के उसके फॉरेड के चारों तरफ वो सुंदर से कर्ल कर्ली हेयर जो थे वो इकट्ठे हो गए थे तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड नंबर टू में हमें मिला है given by william wasworth in the next uh, stanza in the next video we will discuss stanza number three thank you